कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, आज हम संत एंड्रू किम, संत पॉल चोंग एवं उनके सभी साथियों का पर्व मनाते हैं। कहा जाता है कि संत एंड्रू किम कोरिया के पहले पुरोहित थे। जब उनका बपतिस्मा नामकरण किया गया तब उनका नाम पीटर रखा गया। उनका बपतिस्मा 1784 में हुआ। कहा जाता है कि कोरिया के लोगों को अपने विश्वास के कारण कई दुख झेलने पड़े। वहाँ के लोगों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। और यह भी कहा जाता है कि कोरिया के लोग स्वयं ही प्रभु के वचनों को जन जन तक फैलाते हैं। संत एंड्रू किम को केवल मात्र 13 महीने ही हुए थे पुरोहित बने हुए। वे लोगों के दिलों पर छा गए। वे गांव-गांव जाते, गली-गली जाते और प्रभु के वचनों का प्रचार करते। उनके साथ पॉल चोंग और उनके सभी साथीगण उनके साथ थे और अपने विश्वास के कारण उन्हें बंदी बना लिया गया तथा उनका सर काट दिया गया। 14 मई 1984 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने संत एंड्रू किम, संत पॉल चोंग एवं उनके सभी साथियों को संत घोषित किया। आइए कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें कि हम भी अपने विश्वास के कारण प्रभु के लिए, लोगों के लिए, प्रभु के वचनों को फैलाने के लिए अपने आप को अर्पित कर सके। आमीन।